विदेशी चंदा विनियमन कानून में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कई याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए संशोधनों को चुनौती दी है कि इससे राजनीतिक दलों पर विदेशों से चंदा लेने पर रोक हट गई है और उन्हें असीमित चंदा मिल सकता है। याचिका में विदेशी चंदा संशोधनों पर सवाल भी उठाए गए हैं। राजनीतिक दलों को मिलने वाले विदेशी चंदे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को कोर्ट ने विदेशी चंदे से जुड़े नियमों में बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा। ये याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विदेशी चंदा विनियमन कानून 2010 में संशोधन से राजनीतिक दलों को असीमित विदेशी चंदा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। विदेशी चंदा विनियमन कानून पहली बार 1976 में लागू हुआ था। इसमें राजनीतिक दलों को विदेशी कंपनियों से चंदा लेने पर पूरी तरह से रोक थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2014 को कुछ बड़े राजनीतिक दलों को विदेशों से मिलने वाले चंदे को अवैध बताया था और चुनाव आयोग और सरकार को 6 महीने में दोषी राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करने को कहा था। इस बीच सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन कानून 2010 में संशोधन कर दिया। वित्त कानून 2016 और 2018 के जरिए ये संशोधन किए गए। इसमें विदेशी कंपनी की परिभाषा बदल दी गई। इन संशोधनों को 1976 से लागू किया गया जो 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी हुए। उन्होंने फिर ये रियलाइज किया कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट था उससे तो इनको मुक्ति नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो तो 2009 में इन्होंने किया था। तो इन्होंने इस साल एक और अमेंडमेंट किया कि नहीं, वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 1976 से लागू होगा, उसको भी हम लोगों ने चैलेंज किया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये संशोधन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।